हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और पार्ट वन में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी ईएसआईसी के बारे में, डिस्पेंसरी के बारे में, ठीक है ना। अब पार्ट टू में देखते हैं कि आपका जो आप इम्प्लॉई हो, जो भी वर्कर है, वेंडर है, इम्प्लॉई है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है, कोई केवाईसी पेंडिंग है तो उसमें कैसे कवर करोगे आप लोग। तो इसमें जितना हो सके तो अपन देखेंगे ऑनलाइन। कई सारी आपकी फोरम से जो कमेंट्स है मैंने पिक कर ली है कि नेम करेक्शन, डेट ऑफ करेक्शन, इसी में भी ईएसआईसी में भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पार्ट वन देखने के लिए फ्रेंड आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। पार्ट वन का लिंक या तो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, यहाँ तो वीडियो के पास यहाँ आई बटन बनाएगा यहाँ पर, तो पार्ट वन आप ईएसआईसी का देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी पार्ट वन में। पार्ट टू में पूरा कवर कर लेंगे। जो मैंने आपको ईएसआईसी का जो ऑफिशियल पोर्टल बताया था वो एम्प्लॉयर के लिए है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के लिए वो बाद में आ जाएगा वीडियो, अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कि ईएसआईसी एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर काफ़ी सारा क्वेरीज होता है उनका, ठीक है ना। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, esic.nic.in, और होम की बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, कुछ डेली इन्फॉर्मेशन इस पे सामने आपको दिखाई दे देगी। उसके बाद मेनू, ये ऐसा वेबसाइट है, वेबसाइट का नया वर्जन जैसे कि आ चुका, मैं भूल गया था बताना पहले, ये जो ESIC 2.0 यहाँ देखो लिखा भी है। तो ये ऐसा वेबसाइट है, ऐसा सेम टू सेम आप जो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का वीडियो बताया था आपको, ESIC का मोबाइल एप्लीकेशन, जी हाँ, उसका भी वीडियो नीचे या आई बटन में यहाँ मिल जाएगा आपको, वीडियो के नीचे या इधर यहाँ आई बटन में मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नहीं तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है और ये वेबसाइट है वो सेम टू सेम वर्क करती है। लेकिन ESIC का जो एम्प्लॉयर का पोर्टल है वो अलग टाइप का डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको बाद में बताएंगे एम्प्लॉयर वालों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है इंश्योर्ड पर्सन एम्प्लॉयर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इस वेबसाइट पर जाना है esic.nic.in। ये किसके लिए, मैं थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ, ये एम्प्लॉयर के लिए, इसके लिए बाद में देखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर के लिए कि नया एम्प्लॉयर को कैसे एम्प्लॉय को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वगैरह वगैरह, वो CA लोग वगैरह बताते हैं, जो कंपनी का वेंडर ऑर्गेनाइजेशन जो मेन टारगेट होता है, जो मेन ऑफिस वाले देखते हैं उसके लिए आएगा ये, ठीक है ना। तो अभी अपन एम्प्लॉय को देखते हैं। यहाँ पर मेन मेन्यू में आने के बाद आपको एम्प्लॉयर लॉगिन पर जाना है, एम्प्लॉय लॉगिन पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो दो तीन चीज़ दिख रही है आपको, जैसे कि इंश्योर्ड पर्सन या तो एम्प्लॉयर लॉगिन, ठीक है। अगर आपके पास आपका IP नंबर है, यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आपके पास IP नंबर का मतलब आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेशन कॉरपोरेशन का इंश्योरेंस नंबर, यानी कि जो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है, या तो जो ESIC कार्ड आपको मिलता है उस पर ऊपर लिखा रहेगा आपका IP नंबर बोलते हैं इसको, या तो ESIC नंबर भी बोल सकते हैं, या तो आपको इंश्योरेंस नंबर भी बोल सकते हो, उसके कई सारे नाम अलग अलग टाइप से बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो IP नंबर आपको यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अगर आप कैसे चेक करोगे कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो चुका है, कितना स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है ना, तो आपका कहाँ पर कितना पैसा कटता है, ESIC का पैसा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, वो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मेडिकल कैसे इलाज करवाना है, कैसा डिस्पेंसरी मिलेगा, किस स्टेट में कितने हॉस्पिटल है, कितना पैसा, कितना ट्रैफिक, कितना कंट्रीब्यूशन कटता है, ये भी पार्ट वन में मैंने आपको कवर कर लिया है। तो वहाँ पर चेक इट आउट दिस वीडियो गाइस, पार्ट नंबर वन, ठीक है ना। क्योंकि ये फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से इसको कवर करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो साइट है भी ESIC का, जो मैंने बताया था आपको एम्प्लॉयर का पोर्टल, तो अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ आपके वाले पे देखना है, एम्प्लॉय वाले पर जाना है, ठीक है। इसका लिंक या तो अगर आपको ओपन नहीं होता है तो ये डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के नीचे ऑलरेडी दे रखा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपके पास इंश्योरेंस नंबर, IP नंबर या ESIC कार्ड नहीं बना है, तो आपको उसके लिए आपके हेड ऑफिस या तो एम्प्लॉयर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको टेम्प्रेरी ESIC का आइडेंटिफिकेशन का एक फॉर्म दे देंगे, वो बना बनाया, वो आपका, अगर जब तक ESIC कार्ड बन के नहीं आता है तो वो तो काम चलेगा, लेकिन ऐसा अभी अभी हुआ है कि ESIC कार्ड अब नहीं बनेगा, तो आपको विद द हेल्प ऑफ आधार से लिंक करके उसे काम चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी अपडेट आ चुका है,
कई जगह कई स्टेट में ESIC कार्ड्स नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी कंप्लेंट्स आ रही है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा आपके ऑफिस स्टेट के हिसाब से कंपनी में या ऑफिस में कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको आपका आईपी नंबर एंटर करते, चलो लॉगिन करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए आपका इंश्योरेंस नंबर, आईपी नंबर, या तो ESIC नंबर, वो आपके कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा, या तो आपके ऑफिस ने आपके ज्वाइनिंग के 2 से 3 महीने बाद आपको कभी ना कभी मेल कर दिया होगा कि आपका जब तक कार्ड बन के नहीं आता है तो ये इंश्योरेंस नंबर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो उसको यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, वो आपका आईडी रहेगा, वही आपका आईडी रहेगा, वही आपका अकाउंट आईडी रहेगा, एक्सेस अकाउंट रहेगा, या तो ESIC नंबर बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आईपी नंबर एंटर करना है, यानी कि आपका ESIC नंबर एंटर करने के बाद वो आपका यूजर नेम रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको जो ऑथेंटिकेशन नंबर है वो नहीं डाल देना है इसमें, नहीं तो वो नहीं लेगा आपका। अगर आपके पास 2 ESIC नंबर है, ठीक है ना, आपके पास 2 ESIC नंबर है, तो पहले ESIC को दूसरे ESIC अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो कौन करेगा? वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा आपकी कंपनी का। तो उसके लिए भी आपको आपको ऑफिशियल एक मेल कर देना है कि दिस माय ओल्ड अकाउंट, दिस इज न्यू अकाउंट। जैसे कि मान लो आपने एक कंपनी में 1 साल जॉब किया, उसके बाद आपका आपने जॉब को लीव कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब आपने किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे सेक्टर को, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेगा, तो इसमें होता क्या है, आपका दूसरा ESIC नंबर जनरेट कर देंगे वो लोग। तो आपको ज्वाइन करने से पहले आपको बता देना है HR को कि मेरा ऑलरेडी ESIC है, बस वो आप कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ट्रांसफर कर दो, या तो इसी को कंटिन्यू कर दो। तो आपको HR से बात करना पड़ेगा, ऐसा इनकेस किसी किसी का हुआ है। तो ये कुछ कमेंट्स थी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर कवर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसा जैसा मुझे क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे आते जाएंगे उनको भी मैं कवर कर लूँगा फटाक से, ताकि हमारे ऑडियंस को हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये दोनों चैनल पर वीडियोस जाएगा, तो आप देख सकते हैं गाइस, ESIC जो EPFO ESIC का चैनल है इस पर सबसे पहले जाएगा। अगर आप सिर्फ ESIC EPF की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं, सिस्को टेक पर थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि 2 चैनल को कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा लेट लगती 4 IB और ऑफिस से भी वर्क में टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो लॉगिन हो चुका है मेरा पोर्टल, आपका आईपी नंबर और कैप्चा डाल देना है, लॉगिन कर देना, वही यूजर नेम वही पासवर्ड रहेगा आपका, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, सिक्योर यूज करना है। यहाँ पर देखो मेरा पूरा पोर्टल लॉगिन हो चुका है, इधर यूजर लॉगिन यानी कि आपका ESIC नंबर लॉगिन दिखा रहा है, पूरी डिटेल्स दिखाएगा इसमें। ये ऐसा अकाउंट मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ जो कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफर होकर आया है। मेरे कहने का मतलब है कि पहले मान लो ये ऐसा अकाउंट, ऐसे एम्प्लॉई का अकाउंट है ये वाला जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ अभी टेस्टिंग के लिए, जो कि 3 बार जॉब को लीव करके जो 4th चल रहा है उसका, मतलब कि पहले ए कंपनी में जॉब किया, फिर उसमें 2-3 साल काम किया, दूसरे में आ गया, फिर तीसरे में आ गया। तो ये पहले बता दिया था जो एम्प्लॉयर है, हमने बता दिया था कि हमारा 2 साल से इसमें हो चुका है, अब हमने कंपनी को हमने HR में मेल कर दिया था कि भैया मेरा नया IP नंबर जनरेट नहीं करना, इसी को ट्रांसफ़र करो, और ESIC का पैसा नहीं निकलता है। अगर इनके साथ कुछ क्लेम करते हो, इलाज करते हो, उस हिसाब से ही आपका पैसा मिलेगा। तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो, जो भी सवाल सुझाव शिकायत प्रॉब्लम है तो कमेंट में वीडियो के नीचे आप कर दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की, ठीक है ना। चलो अकाउंट लॉगिन हो रहा है, दिख रहा है आपको एम्प्लॉयर नेम, आपका आईडी, डिस्पेंसरी नेम, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, कोई एक क्वेश्चन आया था किसी सुभाष जी का ही क्वेश्चन आया था आईडी, तो कि डिस्पेंसरी कैसे पता करें, तो ठीक है सिंपल सा है, आपका अकाउंट आप लॉगिन करोगे जैसे कि आप EPF का यूनिफाइड पोर्टल लॉगिन करते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम टू सेम है, आपका आईपी नंबर यहाँ लॉगिन करो तो ये दिख जाएगा एड्रेस, आपका डिस्पेंसर नहीं है कि आपका हॉस्पिटल यानी कि आपका ऑफिस। भाई अगर आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर मान लो MP के हो, छत्तीसगढ़ के हो, रायपुर हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, तो हर स्टेट में डिस्पेंसरी बनी है 10-15 3-4 इस टाइप से, यानी कि हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, उसी को जहाँ इलाज होता है, जहाँ ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वो आपका डिस्पेंसरी का एड्रेस यहाँ दिया रहेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर दिया गया है भोपाल MP समथिंग, ठीक है, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ रायपुर समथिंग, ठीक है, इस हिसाब से गाइस रहेगा। अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं है तो आगे देखेंगे, ठीक है। ये पहले पूरा बेसिक डिटेल, कब ज्वाइन किया, IP नंबर,
वेरीफाइड आधार है, तो यहाँ देखो मेरा आधार वेरीफाइड है ऑलरेडी। आपको करना है यहाँ पर आके आधार को वेरीफाइड करना है, और आपके नॉमिनी यानी कि मॉम और डैड को भी यहाँ पर आधार को एंटर करके वेरीफाई करना है। कैसे करोगे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऑलरेडी अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, हम उस बार हमको थोड़ा लेट हो गया था इसलिए वो आधार वेरिफिकेशन का ये वीडियो लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, या तो आपकी बाय डिफॉल्ट कंपनी कर देती तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, गलत है तो उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक ऑफलाइन फॉर्म भी आता है, या तो HR में इसको पोर्टल रिस्टोर करने की बोल सकते हैं मेल करके। DOB अगर गलत होगा इस कंडीशन में तो ही करना है आपको, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट का टाइम क्या था ये भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। कार्ड नहीं बना है तो आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर एम्प्लॉयज में कुछ ऑप्शन दी है जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉई यानी कि आप यानी कि जो काम करता है, यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन है। एम्प्लॉय DTL, उसके बाद बेनिफिट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, क्लेम्स स्टेटस, हाँ किसी ने क्लेम किया, इलाज किया है, पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो एक पेज रिडायरेक्ट होगा सेम पर, ठीक है। वेबसाइट नहीं खुलती है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है, या तो माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में खोलना है, ठीक है ना। साइट ओपन नहीं होती है इस कंडीशन में, स्लो चलती है थोड़ी साइट, तो डू नॉट वरी, अभी कॉल नहीं करना है आपको, थोड़ा रुक जाओ। आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कोई हेल्प चाहिए तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कॉल पिक नहीं कर पा रहे, काफ़ी काम आ चुका है ऑफिस का, तो आप गाइस व्हाट्सएप पे जो भी प्रॉब्लम है, एक वही वाला सिस्को टेक का जो ESIC का जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारे चैनल का ओनली, चैनल टेक्निकल सपोर्ट जो भी चाहिए आपको, तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। देखो इस एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक कर दो, उसके बाद ये आपका पूरा वेरिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आधार वेरिफिकेशन कहाँ से करोगे, यहाँ पर नीचे आओगे तो देखो यहाँ लिखा है फ़ोन नंबर अपडेट नॉमिनी आधार नंबर, ठीक है, यहाँ क्लिक करना है। थोड़ा साइड स्लो चलता है, डोंट वरी। यहाँ क्या लिखा है, आधार नंबर इज ऑलरेडी वेरीफाइड। अगर आपका वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी का यानी कि पापा का या मम्मी का, जिसको भी आपने बनाया होगा, वो आपके फॉर्म में दिख जाएगा। यहाँ पर आपके मॉम या डैड का आधार नंबर एंट्री कर लेना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है, या तो वेरीफाई का बटन आ रहा है तो उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आधार नंबर या EID नंबर जो कि आपके आधार में दिया है, अगर आपका नाम आधार कार्ड ओके है या नाम डेट ऑफ बर्थ आधार में गलत है तो नहीं करना है, उसको पहले ठीक करा के ही इसमें ऑनलाइन एंट्री अपडेट करना है। आधार नंबर एंट्री करने के बाद नॉमिनी का, आपका नहीं, यहाँ देखो लिखा भी है जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया होगा। अब मुझे नहीं पता आपने किसको नॉमिनी बनाया, जैसे कि मेरे डैड का, इसमें जो ये जो इम्प्लॉई है इन्होंने उनके डैड को ही नॉमिनी बनाओ मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आधार नंबर एंट्री करके सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर ये जो भी इनका फील्ड ऑफिसर होगा ESIC इंडिया का, जो भी जब भी इनको टाइम मिलता है इनके इम्प्लॉई को, यहाँ पर आके वो चेक करेंगे डेटा ओके मिला तो वो इनको रिस्टोर अपडेट कर देगी। अब फिर यहाँ पर आपका वेरीफाई का एक बटन आने लगेगा, जैसे कि अपने EPFO की यूनिफाइड के पोर्टल में आता है तो उसको प्रेस करोगे तो आपका आधार यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। कम से कम 5 से 6 वर्किंग डे में मुझे लगता है ये जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। आधार वेरीफिकेशन के बाद बैक चलते हैं, बैक नहीं भी जाते हो तो बैक चलोगे तो आप उसी पेज पर आ जाओगे, मतलब कि काय पे एम्प्लॉय डिटेल जो अभी मैंने आपको क्लिक करके बताया था, ठीक है। यहाँ देखो आधार स्टेटस वेरीफाई लिखा आना चाहिए ग्रीन कलर में, तो आप समझो कि ठीक है आधार आपका वेरीफाई हो चुका है आपके नॉमिनी का। पूरा डिटेल बाकी बेसिक डिटेल आप देख सकते हो, जैसे कि पूरा मटेरियल आपका यहाँ पर मिलेगा ESIC का, कितना पैसा कट रहा है, कहाँ आपका डिस्पेंसरी कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, आधार वेरिफिकेशन का बटन यहाँ देखिएगा, कौन सा स्टेट से हो आप वगैरह वगैरह, मोबाइल नंबर, पिन कोड कुछ मिस है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ जो भी है ना, पूरा आपको यहाँ पर इस पेज पर मिलेगा काय में एम्प्लॉय डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर बाहर निकलने के लिए यहाँ पर क्लोज कर देना है, यहाँ पर एक बटन सा आता है, या तो इस पेज को ही डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर एक बटन आता है यहाँ से क्लिक करके इसको आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक उसी पेज पर आ गए होम पेज पर, ठीक है। थोड़ा साइड प्रॉब्लम्स करता है तो बी केयरफुल यूज़ कीजिए। अब आते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर, एम्प्लॉय में यहाँ पर बेनिफिट्स पर, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना पैसा कंट्रीब्यूशन डेबिट होता है वो मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो प्लीज़ चेक इट आउट दिस वीडियो गाइस,
ठीक है। अब यहाँ पर जनवरी 1 से दिखा रहा है कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना टोटल वेजेस चल रहा है मेरा, ठीक है, 52,000 फोर समथिंग टोटल वर्किंग डेज पेड पाइबेबल 183 यहाँ पर इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है, सही सही चल रहा है मेरे इसमें जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय की तरफ से, ठीक है। लॉग इन टाइम दिखाएगा करंट पीरियड, आपको लगता है कि मान लो अभी मैं दिखाऊंगा कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन मिस्टेक है इसमें, जैसे कि जनवरी से मार्च तक का आपको कोई किसी मंथ का मिस दिखा रहा है कि आपका बरोबर, आपको ये भी डेली चेक करना है कि आपका हर महीने आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वेंडर अलग अलग होता है, आपका पैसा आपके ईएसआईसी में कट रहा है तो जमा हो रहा है कि नहीं है, वो आपको इस पोर्टल पे आके देखना है। अभी मैं आगे दिखा दूंगा कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय डिटेल्स में और भी कुछ डिटेल थी, यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको वो भी चेक कर लेना। मेडिकल बेनिफिट यस रहेगा, हाँ मिलेगा आपको पूरा मेडिकल्स बेनिफिट, और यहाँ पर और भी कई सारे बेनिफिट दिए, जैसे कि मैं देख लेता हूँ, कई सारे बेनिफिट दिए हैं, सुपर स्पेशलिटी, अरे अच्छा है ये भी बड़ी अच्छी बात है, सुपर स्पेशलिटी फॉर फैमिली, फैमिली को भी दिया है, मॉम डैड योर वाइफ एंड यू, है ना, 4 से 5 लोगों का इसमें रहता है, जिसको आपने आपको नॉमिनी इसमें कराया है, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट भी दिया है, यस कराया है अभी, पहले यहाँ पर नो था कुछ ऑप्शन, तो यहाँ पर काफी सारा अलाउड कर दिया, देखो दो ही है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट में नो किया है इन्होंने, बाकी यहाँ पर इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयर इंजरी, ठीक है, सब्जेक्ट टू डेथ, आईपी ड्यू एम्प्लॉयमेंट इंजरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड आईपी क्लेम्स, ठीक है। तो ये इतना बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको लगता है कि यार नहीं मिल रहा है, ये आपका अकाउंट आप लॉगिन करके देखोगे तो आपको यहाँ प्रॉपर क्लियर दिखाएगा कि जो ईएसआईसी इंडिया कितना बेनिफिट आपको दे रहा है, यहाँ पर चेक इट आउट गाइस ऑल डिटेल्स, ठीक है। अभी आपको वेजेस के लिए, वेजेस का किसी ने पूछा कितना वेजेस, वो तो आपको टोटल वर्किंग डेज के ऊपर है कितना, अगर आप मान लो 2 4 5 दिन अपसेट हो तो उसमें तो पैसा कटेगा ना आपका, जो उसमें सैलरी भी कम आता है तो उसमें से भी आपका मुझे लगता है कॉन्ट्रीब्यूशन डेबिट होके उतना क्रेडिट होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका पूरा डिटेल्स, ठीक है। गो बैक टू द कैंसिल कर दबा देना है, कैंसिल क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है होम पेज पर, ये आपका होम पेज रहेगा, लॉग आउट करना है तो यहाँ की बटन को क्लिक करके लॉग ऑफ कर सकते हैं, आपको ऊपर आईपी नंबर दिया है भी, आपको गाइस कुछ डिटेल यहाँ पर हाइट दिख रही होंगी तो आप लॉग इन करोगे आपका अकाउंट तो दिख ही जाएगा आपको। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको क्या क्या रहेगा इसमें, कुछ डिटेल नहीं दिखेगी तो डोंट वरी, कुछ पर्सनल डिटेल है तो हम यहाँ पर हाइड कर देंगे, जो आपको लाल बटन दिख रहा होगा कोई बात नहीं, आप अगर आपका अकाउंट लॉगिन करोगे तो समझ जाओगे कि अच्छा ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पर देखो गाइस की इंश्योरेंस पर्सन नंबर दिखा रहा है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड यानी कि कितना पैसा जमा हुआ है कितना कटा है यहाँ पर देखते अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ठीक है 2018 चल रहा है, 18 सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अब यहाँ पर अप्रैल से सितंबर पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सबमिट की बटन को प्रेस कर देता हूँ, क्या दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि अभी स्टार्ट ही है ना 2018 स्टार्टिंग चल रहा है, अप्रैल तो लगा ही नहीं है अभी, तो बैक जाते हैं अक्टूबर से मार्च देखते हैं, सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है, ये देखो पूरा डिटेल आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने दिसंबर 2017 यानी कि जो लेटेस्ट अभी खत्म हुआ है 2017 नवंबर और अक्टूबर का टोटल मंथली वेजेस दिखा रहा है, कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डेबिट हो रहा है, ठीक है, कितना कितना पेड पाइबेबल हुआ है आपका, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना है 159, 154, 155, 200, 500, वो आपकी सैलरी के ऊपर है, किस एम्प्लॉयज का किस कितना क्या पेड और पाइबेबल रहेगा, पूरा यहाँ पर आपको वेजेस देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल मंथ कंट्रीब्यूशन आपके खुद का दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मान लो यार दिसंबर दिखाई नहीं रहा है आपको, नवंबर अक्टूबर ही दिखा रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ है, या तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जमा नहीं हुआ है, तो आपको डू कॉन्टेक्ट यूर एचआर एंड यूर फाइनेंस डिपार्टमेंट यूर कंपनीज, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, 2017 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक का ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका देखो काफ़ी सारा डिटेल्स ओपन हो गया है, जितना भी हर महीने आपका पैसा जमा होता है या
जितना भी डेबिट होता है यहाँ पर आपके अकाउंट्स में, कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ तो यो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि मान लो अप्रैल में इतना आपका टोटल वेजेस था मंथली, ठीक है, नंबर ऑफ डे पे जो डे डे के हिसाब से पेड पेबल कितना हुआ है मान लो 30, और आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना सीयरली है यहाँ पर 151। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये इस अकाउंट के हिसाब से, तो ये रहेगा आपका जितना भी हर महीने कंट्रीब्यूशन डेबिट क्रेडिट होता है जो भी मच मोर है, ये यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो कैंसिल बटन प्रेस कर देना है, वो ओपन आपके होम पेज पर आ जाना है। कई सारी इन्फॉर्मेशन और भी देखने के लिए गाइस पुराने वीडियो देखे, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है तो वहाँ पर चेक इट आउट कर सकते हो नीचे जाकर। अब स्टेटस ऑफ द क्लेम, मान लो आपने कोई क्लेम किया है, जैसे कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ESIC का पैसा रुका है नहीं मिला है, अब कितना क्लेम पास हुआ नहीं, वो तो ऑनलाइन चेक करने के लिए यहाँ पर आपका क्लेम ID एंटर करना है, डेट एंटर करना है और आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपका एक्नॉलेज नंबर। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के बाद प्रेस करोगे तो ये आपका पूरा फॉरम खुल के आ जाएगा, जिसमें कि आपका क्लेम सेटल हुआ है, पेंडिंग है, कैंसिल हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो आपको पूरा डिटेल्स ESIC के पोर्टल में यहाँ पर आपके अकाउंट्स में अंदर जाके आप देख सकते हो। ओके, गो बैक टू द कैंसिल करते हैं, वापस आते हैं। अपडेट आधार नंबर, वेरी मैंडेटरी ऑप्शन, अपडेट आधार नंबर पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया नॉमिनी का कैसे करना है, सेम टू सेम इसमें भी यहाँ ऐसा रहेगा, आपको आपके खुद का आधार नंबर यहाँ एंट्री करना है, यानी कि आप इम्प्लॉई हो तो आपका आधार नंबर एंट्री कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सेम टू सेम रहेगा, 2-3 दिन बाद आपका ये आधार पोर्टल रिस्टोर होता है तो यहाँ पर वेरीफाई का बटन आ जाएगा और वेरीफाई के बटन को क्लिक कर देना है, एंड दैट्स इट गाइस। बहुत ही सिंपल है, कहीं नहीं जाना है, पोर्टल पे आने के बाद आधार नंबर एंट्री करना है जैसे EPFO में होता है, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन इनको लगता है कि आपका डेटा ठीक है, मैच हो गया है, सर्वर री अटेम्प्ट कर रही है, यानी कि मैच होना चाहिए, आपके आधार में और कुछ दिखा रहा है यहाँ और कुछ है, तो मुझे लगता नहीं वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो डू कॉन्टेक्ट यूर HR एंड यूर फाइनेंस डिपार्टमेंट या तो ESIC सेंटर भी आप नियरेस्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन होगा, बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ बॉक्स ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, आधार नंबर इज ऑलरेडी वेरीफाइड, इसलिए आपको यहाँ पर बॉक्स अनहाइड दिखेगा। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल है तो हाइड हो जाएगी, डोंट वरी, आप खुद करोगे आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ आपका इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, IP नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो होगा तो आप सब कुछ आप खुद ही कर सकते हो, कहीं आपको प्रॉब्लम्स होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपडेट आधार नंबर हो गया, वेरी मैंडेटरी है ESIC अपडेट आधार, ठीक है। अब चलते हैं धनंतरी योजना पर, थोड़ा मैं चेकआउट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका वीडियो जो है ये अलग से आएगा, एक ही अलग से, ये इसी का सर्विस है ESIC का, तो इसको मैं एक डिटेल्स वीडियो उसमें बना दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मैं टेस्ट पर्पस दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ उन्होंने लिखा भी है यू आर मैप्ड, UHID नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर सबमिट करके पूरा चेकआउट कर लेना है, या अगर आपके पास ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो या तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसका क्लोज वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं इस वीडियोस के लिए, ठीक है। जो मैंडेटरी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। अब आते हैं आखिरी लास्ट ऑप्शन पर, बेनिफिशियरी का फीडबैक फॉर्म, इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है एंड कुछ हेल्प चाहिए इमिडिएटली तो प्लीज़ फिल द फॉर्म एंड सेंड ESIC इंडिया टीम्स, ठीक है। इस फॉर्म को आपको भरना है पूरा डिटेल्स, फीडबैक फॉर्म यानी कि वो एक प्रकार का कंप्लेंट फॉर्म ही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है IP रिलेटेड, लॉगिन नहीं हो रहा है अकाउंट आपका, कुछ ऐसा दिखा रहा है कि यूअर IP में डुप्लीकेट, तो आप समझ जाइए कि आपके दो अकाउंट्स है और वो पुराना अकाउंट को ले रहा है, नए अकाउंट को लेगा नहीं। अगर आपका मान लो नया IP नंबर जनरेट होता है तो आपका नया IP तो लॉगिन होगा ही नहीं, ये भी आपको बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फीडबैक फॉर्म आज खुल नहीं रहा है, आज रिपब्लिक है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ही हो सकती है पोर्टल में, लेकिन ठीक है, देखो ओपन हो गया है, ये साइट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करती है, जल्दी ओपन नहीं होता है, कुछ समथिंग प्रॉब्लम तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट टाइप ऑफ लोकेशन, जो भी है ब्रांच ऑफिस है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, कहाँ से कंप्लेंट कर रहे हैं पूरा यहाँ पर आपको डालना है आपका। आप नेम ऑफ ऑफिशियल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, होम एट मीट, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है,
सर्विस कैसी है, यहाँ पर फीडबैक फॉर्म एड्रेस में लिखना है और यहाँ पर आपको पूरा सबमिट कर देना। क्या हेल्प चाहिए आपको, इमिडिएटली कॉल बैक चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर आप ये इनको ये वो भी देख सकते हो। अच्छा है आपको, सही है आपका, तो यहाँ गुड फेयर पुअर, बहुत ख़राब सर्विस है ESIC की, तो यहाँ पुअर कर सकते हो, फेयर कर सकते हो, यहाँ बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत है फुल कंप्लेंट करो अगर ESIC से रिलेटेड कोई दिक्कत है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका कंट्रीब्यूशन डेबिट होता है, आपको अगर सर्विस नहीं मिल रही है तो इस फॉर्म में आकर आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो। आपको लगता है आपको बेनिफिट नहीं मिला ESIC का, आप उसके लिए ट्रबल हो रहे हैं, तो डू कॉन्टेक्ट दिस फॉर्म एंड कंप्लेंट इमिजिएटली, ठीक है? अच्छी है सर्विस, ओके, तो यहाँ पर फीडबैक फॉर्म आप भेज सकते हैं। कंप्लेंट मुझे लगता है ये फॉर्म वही भरेगा जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स या हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्म भर के भेज दो, आपको तुरंत हेल्प उनका रिप्लाई मिलेगा 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर आपको होम की बटन पर क्लिक कर लेना है, आपके होम बटन पर आ जाना है यहाँ पर, ठीक है ना? या तो इसको क्लोज करके आप बाहर निकल सकते हो, यहाँ जैसे कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इधर क्लोज कर देना, ठीक है? तो गाइज बस ये पूरे ऑप्शन में बता चुका हूँ, आधार वेरिफिकेशन का, कंट्रीब्यूशन डिटेल्स कैसे चेक करना है। तो भी गाइज किसी टाइप्स की प्रॉब्लम है या कोई सवाल सुझाव या शिकायत है तो प्लीज डू कमेंट सेक्शन, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में, हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट्स का जल्द रिप्लाई देने की, ठीक है? तो गाइस बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बेस्ट और टेक टॉक अमेजिंग वीडियो के साथ। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ताकि हर एम्प्लॉय को, हर पीपल्स को हेल्प मिले। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है तो ट्रबल करते हैं, परेशान होते हैं, तो शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।